गाइस, आई एम हिना खान। मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ। जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं, ये सारी पाव भाजी की सामग्री मैंने रेडी करके रखी है। ये है टमाटर की प्योरी जो मैंने हल्का सा बॉईल करके रख लीजिए है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे नए तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि टमाटर को आप बॉईल करके अगर बनाएंगे तो एक नया टेस्ट आएगा पाव भाजी के अंदर। और ये शिमला मिर्ची फ्लावर और बीन्स का पेस्ट है जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। ये तड़के का सामान है अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च, ये स्वाद के अनुसार नमक। ये है आलू जो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं हल्के से क्रश करके। और ये है हमारे मसाले, ये मसाले हैं मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी पाउडर पाव भाजी मसाला, ये गरम मसाला, ये चाट मसाला, ये गार्निश के लिए धनिया कट करके रखा है। ये है तेल और ये है बटर जिसे हम तड़का देंगे। तेल इसलिए डालेंगे पहले ताकि बटर जले नहीं। और ये स्वाद के अनुसार नमक है। अब हम करने जा रहे हैं, ये मैंने बर्तन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम पहले तेल डालेंगे। ये देखिए हमने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें बटर डाल देंगे, करीब ये आधी चम्मच बटर लेना है। बटर थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को बटर का टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए हम पाव भाजी में थोड़ा बटर ज़्यादा डालेंगे। ये बटर अच्छे से मिल्ट हो जाएगा तेल में, तो ये जलेगा नहीं और इसका स्वाद भी अच्छा आएगा। हमें इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। पहले ये लहसुन डाल दिया है, अभी हम थोड़ा लहसुन को हल्का सा ये लाल करेंगे बटर में ही। देखिए अभी लहसुन अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख रहे हो जैसे कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक। ये अदरक डाल दिया है मैंने। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे ऑनियन, ऑनियन और ग्रीन चिली दोनों साथ में ही डाल देंगे। और सॉरी गाइस, मैं मटर बोलना भूल गई थी। ये मैंने हरी मटर लिया है, ये फ्रोजन नहीं है एक्चुअली। मैंने इसके छिलके निकाल कर इसको फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा आइस जैसा आ गया है। सो हम अभी इसमें ये तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से बनाने से पाव भाजी जल्दी बन जाती है, हमारा टाइम भी बचता है। जल ये सब रेडी करके रख लेंगे पहले से तो अच्छे से हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। सो ये मेरा मसाला रेडी हो रहा है। ये प्याज में हल्का सा गोल्डन टच आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले और उनको हल्का सा भूनेंगे ताकि उनका कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए आप, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ये जो मैंने मसाले लेके रखे हैं, मिर्ची धनिया हल्दी पाव भाजी मसाला चाट मसाला और गरम मसाला, इन सबको हम अभी इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि इनका कच्चापन चला जाए। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। उधर बाजू में ही मेरी बेटी खड़ी है, वो देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप मेरी बेटी से मिलना चाहेंगे? ये देखिए, हाय, ये मेरी बेटी है। कैसे हो? इन्हें पाव भाजी बहुत पसंद है, इसलिए इनके लिए हम पाव भाजी बना रहे हैं। देखिए ये किस पे खड़े हैं, ये स्टूल पर खड़े हैं।
अभी इसमें हमने आलू डाल दिए और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये आलूओं को अच्छे से हम इसमें ही मिक्स करेंगे। अरे अच्छे से चलाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्योरी। ये हमने बॉईल करके इसको मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ है। हम इसमें ये डाल देंगे टमाटो प्योरी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे ये मटर, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए इसके साथ। ओके, डाल दी हमने इसमें मटर और अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्लावर बीन्स और शिमला मिर्ची का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक्चुअली ये सब पका हुआ है तो इतना पकाने की जरूरत नहीं है इसको, बस थोड़ा देर ही हम इसको पकाएंगे। 4 से 5 मिनट ही सब मिक्स करने के बाद पकाएंगे इसमें हम। और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे नमक। सब हम इसमें डाल दिया है नमक, तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली करने के लिए। ये देखिए अभी थोड़ा पकेगा तो ये अपने सही टेक्सचर में आ जाएगा और हमारी मटर भी अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसको पकाने के बाद इस पर ढक्कन लगा देंगे। तो अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। हे गाइस, देखिए अब पक्के हमारी पाव भाजी रेडी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हो गई है, एकदम बढ़िया। ये रेडी हो गई है पक्कर। सो हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। तो गाइस ये पककर हो गई है रेडी मेरी पाव भाजी। ये देखिए और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनी है, मेरी बेबी ने खाया है, बहुत यमी बनी है, जल्दी बनी है। सो आप ट्राई करिए मेरी रेसिपी को। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे लिखकर भेजें और मैं ऐसे ही नए नए रेसिपी अपने तरीके से आपको बताती रहूँगी और आपसे मिलती रहूँगी इसी चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
तब तक मिलते हैं से बाय।